हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वीवो वी नाइन यूथ फ़ोन के बारे में। इसमें एक नया अपडेट रोल आउट हुआ, उसी के बारे में बात करूँगा। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, सेटिंग पे नोटिफिकेशन मिल जाता है रेड कलर का। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा वीवो वी नाइन यूथ फ़ोन मेरे पास है, आप लोग को दिख रहा कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाता है। तो इसमें अपडेट में क्या मिला क्या नहीं मिला सब कुछ मैं आप लोग को बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हमसे आप एसीएल बात करना चाहते तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग फॉलो करके बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना। तो यहाँ पे मैं आप लोग को जाकर दिखाने वाला हूँ सेटिंग पे। सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है सेटिंग पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो अपडेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा। फन टच ओएस यहाँ पे पुराना वर्जन मिल जाएगा 6.10.1 का, तो यहाँ पर नया वर्जन मिल जाएगा 6.11.2 का। 161 MB का अपडेट है आप लोग को दिख रहा, कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाता। तो यहाँ पर अपडेट में क्या मिला तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे कि सिस्टम एंड्रॉयड सिक्योरिटी तो सभी फ़ोन में मिलता है आप लोग को दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर प्रूव किया गया दोस्तों, जैसे कि पहले से अच्छा वर्क करेगा। तो यहाँ पे बात कर लेता हूँ आई मैनेजर, तो आई मैनेजर में भी कुछ ही चेंजिंग दिया गया दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है जैसे कि टेस्ट वगैरह सब कुछ किया गया दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है आई मैनेजर में पहले से बेटर परफॉर्मेंस करेगा आई मैनेजर को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ग्लोवर सर्च, तो यहाँ पे ग्लोवर सर्च में भी जैसे कि कुछ अलग अपडेट दिया गया दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ग्लोवर सर्च न्यू, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है जैसे कि ग्लोवर सर्च में भी कुछ इंप्रूव किया गया दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे मोर पे, यहाँ पे बात कर लेता हूँ मोर पे भी कुछ अलग चेंजिंग दिया गया दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है। तो इस तरह से अपडेट दिया गया दोस्तों, जैसे कि ये अपडेट मिला बहुत लेट मिला अपडेट, तो मैं इसको वीडियो बना के आप लोगों को सोचा के बता दूं। तो इस अपडेट में और कुछ मिला दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे अबाउट सिस्टम में भी जैसे कि आप लोगों को दिख रहा अबाउट सिस्टम में बेटर सिस्टम कुछ इस तरह से, जैसे कि डिलीट तो यहाँ पे बेटर सिस्टम कर दिया गया दोस्तों इस फ़ोन को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा अपडेट डाउनलोडिंग हो गया, तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा अपडेट कैसे करना है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, जैसे कि 100 होने वाला है तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग को दिख रहा है कुछ इस तरह से दो ऑप्शन मिल जाता है इसमें, तो नाइट में करना तो नाइट में कर सकते हैं या तो डे में कर सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल पे करके। तो मैं इंस्टॉल पे ओके कर देता हूँ दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर मैं अपडेट कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से रिवर्ड होगा फ़ोन, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कुछ इस तरह से स्विच ऑफ होगा, फिर इसके बाद दोस्तों ऑन होगा। आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा इसमें टाइम लगता है अपडेट होने में, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक लग जाता है अपडेट होने में, तो थोड़ा मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा कुछ इस तरह से अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा हरा कलर का यहाँ पे भरना लकीर हो चुका है, जैसे कि ये भर जाएगा तो अपडेट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो पासवर्ड डाल के मैं अपना फ़ोन को दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा फ़ोन अपडेट हो चुका आप लोग को दिख रहा कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेटिंग पर जाके आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से फिर स्क्रॉल डाउन करके अपने सिस्टम अपडेट पे चले जाना है। यहाँ पे सिस्टम अपडेट पे जाना है, यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों जैसे कि यहाँ पे फंटा चौबीस, और यहाँ पे अपना जैसे कि नया वाला वर्जन रन करने लगा दोस्तों, 6.11.2 वाला वर्जन इसमें रन करने लगा दोस्तों। तो आप लोग को दिख रहा कुछ इस तरह से अपडेट करना अपने फ़ोन को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जैसे कि अगर आप लोग को भी अपडेट मिल गया तो अपडेट कर लीजिए, नहीं तो एक दो दिन वेट कर लीजिए। इसमें क्या है दोस्तों कि कंपनी जो है इसमें आधे फ़ोन को कभी और दिन देती है, किसी और दिन और फ़ोन को देती है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है अपडेट देने में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ मोर सेटिंग में जाके अबाउट सिस्टम में। तो यहाँ पे मोर सेटिंग में क्लिक कर लेना, यहाँ पे अबाउट सिस्टम में जाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मेरा फ़ोन का मॉडल मिल जाता है 17-27, यहाँ पे अपडेट जो है दोस्तों जैसे कि 2020 तीन महीने पहला तारीख का अपडेट है दोस्तों, अप्रैल का अपडेट ये मिला मेरे फ़ोन को, तो थोड़ा लेट मिला अपडेट। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ और जैसे कि इसमें और क्या मिल हुआ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आई मैनेजर की दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा आई मैनेजर में भी चेंजिंग मिला है आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आई मैनेजर में भी पहले से अच्छा कुछ कर दिया गया दोस्तों इस अपडेट के बाद आप लोगों को दिख रहा आई मैनेजर का। तो यहाँ पर अब मैं आप लोग को दिखाऊँगा कुछ चेंजिंग मिल रहा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा आई मैनेजर में कुछ अलग चेंजिंग दिया गया दोस्तों। यहाँ पर मैं इसका वर्जन दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा 6.2.3.7 का, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाता है। पहले मेरा था 6.2.2.0 का कुछ इस तरह से था दोस्तों, तो कुछ चेंजिंग दिया गया दोस्तों इस अपडेट में आई मैनेजर में भी। तो चलिए दोस्तों,
और बात कर लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मेरा फ़ोन पहले से अच्छा परफॉर्मेंस वगैरह करने लगा दोस्तों। यहाँ इस अपडेट के बाद आप लोगों को दिख रहा कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाता है, जैसे कि पहले कुछ दिक्कत आ रही थी लेकिन अब इस अपडेट के बाद कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊँगा जैसे कि ग्लोवर सर्च, तो यहाँ पर मैं ग्लोवर सर्च को भी दिखाऊँगा इसमें क्या चेंजिंग मिला ग्लोवर सर्च में। तो स्क्रॉल डाउन करना दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर यह तो नोटिफिकेशन मिल जाता है, इसके थोड़ा से ही नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है तो मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे से करेंगे तो यहाँ पे ग्लोवर सर्च मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है इसमें भी कुछ अलग चेंजिंग कर दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।